नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VM Tech Info में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि राजस्थान के ई मित्र संचालक है, ई मित्र क्यूसेक, उन भाइयों के लिए वीडियो है। दोस्तों ई मित्र पर एक नई सर्विस चालू हुई है जो कि है APS यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अब आप आसानी से अपने ई मित्र पोर्टल से ही आप लोगों को आधार से पेमेंट कर सकेंगे, जैसे कि आधार से आप पैसे निकासी, उनकी बैलेंस इंक्वायरी वगैरह आधार से सारा काम आप ई मित्र के अंदर ही पाएंगे। तो दोस्तों ये सर्विस अभी चालू हो चुकी है, तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है और उसके बाद आपको उसमें कौन सा अकाउंट ऐड करना है, जिसमें आपको अपना एक अकाउंट ऐड करना होगा सेटलमेंट के लिए, जैसे कि आप आधार से पेमेंट जितना भी आपके वहां पर वॉलेट में आएगा उस पैसों को आप सेटलमेंट कौन से खाते में करेंगे, उसके लिए आपको एक वहां पर अकाउंट ऐड करना होगा। तो उसमें आपको कौन सा अकाउंट ऐड करना है और किस तरीके से अकाउंट ऐड करना है और उसमें कितना कमीशन आपको मिलेगा, कैसे सेटलमेंट होगा, तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करूंगा निवेदन कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं लाइव प्रोसेस किस तरीके से आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है APS की सर्विस के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने हमारा ई मित्र पोर्टल है जो कि लॉगिन कर लिया है। और दोस्तों इस पे अब क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है यूटिलिटी में। दोस्तों यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्चिंग बार के अंदर आपको टाइप करना है AirPay। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर AirPay टाइप करके एक बार सर्च कर लेते हैं। दोस्तों AirPay जैसे आप लिखेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी क्योसक रजिस्ट्रेशन फॉर APS कैश विड्रॉल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे थर्ड पार्टी पेज पर। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ ओके कर लेते हैं और चले जाते हैं थर्ड पार्टी पेज पर। और दोस्तों यहाँ पर थर्ड पार्टी पेज पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल है जो कि डालनी होगी। दोस्तों अगर आपने मैंने एक बार पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके रखा था डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के लिए AirPay में, तो इसके लिए मेरी जो व्यक्तिगत डिटेल थी वो मैंने यहाँ पर पहले से फिल की हुई है। और आपने अगर नहीं किया तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर डालने का, तो आप आधार नंबर अपना पहला डालेंगे, अपनी कुछ डिटेल्स जानकारी डालने के बाद आपको यहाँ नीचे बैंक की डिटेल डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अभी हमारी बैंक की डिटेल हैं जो कि यहाँ पर डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो भी खाता ऐड करेंगे उस खाते के अंदर जो सेटलमेंट की रकम होगी, आप जितना भी लेन देन करेंगे APS से, वो पैसे इस खाते के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे कि एक दिन का जितना भी पैसा होगा वो दूसरे दिन आपके खाते में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका खाता है जो कि आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, आपका अकाउंट अगर करंट अकाउंट आपका खुला हुआ नहीं है तो आप अपना करंट अकाउंट भी बैंक में जाकर खुलवा लें, अपना जो ई मित्र का सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे तो आपको करंट अकाउंट वहाँ पर खोल के दे दिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर आप करंट अकाउंट अगर ऐड करेंगे तो ही दोस्तों अच्छा रहेगा, क्योंकि सेविंग खाते के अंदर आप अगर ज़्यादा लेन देन करेंगे APS से तो फिर आपका TDS कटने का या इसमें चांस रहता है। तो मेरा मानो तो आप यहाँ पर करंट खाता ही आप ऐड करें, सेविंग खाता आपको नहीं करना है, करंट खाता आपको नहीं है तो आप खुलवा लें, खुलवा के यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो दोस्तों आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी करंट खाता अगर आपने ऐड किया है तो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारे करंट खाते की पूरी डिटेल है जो कि फिल कर ली है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अकाउंट टाइप का, तो जिसमें आपका करंट आपको ले लेना है। यहाँ पर हालांकि ऑप्शन आपको करंट और सेविंग दोनों का दे दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको मेरा सजेशन है कि आप करंट खाता है यहाँ पर ऐड करें ताकि आपको आगे जाके किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर अकाउंट पूरा डिटेल भर लिया है, उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। सेव बटन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस होगा और मैसेज आपको दिखाई दे दिया जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन, तो इस तरीके का एक आपको मैसेज मिल जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है और उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेशन। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि जो कि प्रोसेस था इसका, हमने अपना अकाउंट है जो कि ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद दोस्तों वहां पर हमें 24 घंटे का बोला गया है, लेकिन दोस्तों हो सकता है इसको एक दो दिन लग जाएंगे अकाउंट वेरीफाई होने में। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद यहां जो कि सर्विस लाइव हो जाएगी, सर्विस लाइव होगी उसके बाद एक और वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा और जिसमें आपको किस तरीके से वहाँ पर लेन देन करनी है और कितना इसमें कमीशन वगैरह, तो कमीशन की अभी कुछ गाइडलाइंस आई नहीं है और जैसे इसके बारे में कोई सूचना मिलेगी तो आपको वीडियो बना के जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।